हैं कन्नौज की एक नगर पालिका गुरसाहेगंज में। जी आपको हम बता दें कि 42,000 वोटरों वाला ये नगर पालिका है गुरसाहेगंज। लगभग 25 वार्ड इसमें सम्मिलित हैं, 25 वार्डों से मिलकर बनी है नगर पालिका गुरसाहेगंज। यहाँ पर तमाम पार्टियों के नेताओं ने जो है यहाँ पर अपनी कमर कसी है अध्यक्ष पद के लिए। हम आपको बताते चलें कि भारतीय जनता पार्टी से जो चेहरा हैं, चेहरे के रूप में जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी माता जी लड़ रही हैं, वो हैं गुप्ता, मयंक गुप्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपना दांव आजमाया है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से छोटे ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीएसपी की तरह अगर बात की जाए तो बीएसपी से आसिफ जमाल सिद्दीकी चुनावी मैदान में देख सकते हैं। उसके बाद जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे जुगल किशोर जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वहीं अन्य पार्टियों के आम आदमी पार्टी ने भी अपनी ताल ठोकी है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार चुनावी मैदान में है। 25 वार्डों में क्या है जनता का मूड, क्या किसको बिठाएंगे गुरसाहेगंज की गद्दी पर, तो चलिए सीधे हम संवाद करते हैं गुरसाहेगंज की जनता से। तो चलिए हमारे साथ। बदला नहीं है वैसे ही है, समझो जैसा था वैसे ही है और क्या? कोई विकास नहीं हुआ 5 सालों में, क्या हो गया सड़कें विधि है समझो। मैं समझ लो खुद ही पड़ी है, गड्ढे इधर उधर हैं और क्या, ये है विकास कर क्या है। अच्छा क्या लग रहा है दादा, इस बार भारतीय जनता पार्टी या बीएसपी या कांग्रेस कौन बाजी मारेगा इस बार? देखो कौन जीते कौन ना। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि तजुर्बा आपको ज़्यादा है, काफ़ी समय देखा होगा, काफ़ी नगर अध्यक्ष भी देखे होंगे, तरह तरह के लोग आए, तमाम पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले, किसने क्या ज़्यादा विकास किया या कम किया? कमल फूल है। कमल का फूल। अच्छा ज़्यादा हाथी। ओ हाथी। अच्छा अच्छा तो कुछ बदला है 5 सालों में अभी तक? हाँ कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं परिवर्तन आया। अच्छा अच्छा हमारे साथ एक चाचा और बैठे, उनसे हम पूछेंगे क्या लग रहा है चाचा इस बार क्या परिवर्तन होगा या फिर? परिवर्तन तो होएगा, ज़्यादातर सपा आएगी। सपा आएगी। महंगाई बहुत बीजेपी में हो गई हर चीज़ की, बस के दुगुना किराया हो गया, हर चीज़ सिलेंडर देख लो कहाँ 1150-1150, यही परेशानी है। एक समस्या यहाँ पर लगातार बनी हुई है कई बरसों से चाचा, हाँ। एक समस्या यहाँ पे जाम की समस्या, हाँ। जाम तो अब जो जाम के लिए तो अब बाईपास बन गया है, अब उससे तो निजात मिल जाएगी धीरे हाँ धीरे। चालू भी हो गया, अब ट्रक इधर से आना बंद हो गए। तो जैसे चुनावी समीकरण यहाँ पे गुरसाहेगंज में समाजवादी पार्टी से भी एक कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, बहुजन समाज पार्टी से भी हैं, उसके बाद कांग्रेस से भी हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, क्या लग रहा है मतलब क्या कहाँ जाएगा ये चुनाव? भाजपा और सपा में लग रहा है हमें, सपा और भाजपा की टक्कर है। बीएसपी की टक्कर? बीएसपी की हमें नहीं लग रही है, अभी नहीं लग रही है। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करेंगे, यहाँ दिखाएंगे अपने अपने लोगों के दावे हैं, लोग बता रहे हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और लोगों से हम बात करेंगे आपकी करवाएंगे। हमारे साथ एक चाचा और मिल गए हैं। चाचा एक चीज़ ये बताइए, लोकल के हैं यहीं के? रापर के यहीं के हैं। आप हमें ये बताइए कि यहाँ पर एक समाजवादी पार्टी से भी कैंडिडेट हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी हैं, उसके बाद जो है बीएसपी से भी हैं, कांग्रेस से भी हैं, आम आदमी पार्टी से, क्या लग रहा है इस बार? बीजेपी। कुछ सहूलियतें मिली हैं सरकार में? क्यों नहीं मिली, जैसे कि मिली सबसे पहले तो क्योंकि आप खुले शब्दों में कह रहे हैं लड़ाई दंगा बहुत, जैसे दंगा करती है जैसे सड़क बिजली पानी, ये मुद्दे रहेंगे इस बार निकाय चुनाव में? अरे ये कोई अब नहीं कहेंगे, ये भी आएगी फिर। चलिए ठीक है, लोगों के अपने अपने दावे हैं, चाचा बता रहे हैं कि इस बार कमल खिलेगा, और लोगों से हम बात करेंगे आप करवाएंगे। इस बार कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे जाएं कहाँ पे ना जाएं, क्योंकि 10 दिन है ना? नहीं 10 दिन है, समय कम बचा है, डिसाइड तो वोटर ने कर लिया होगा, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट होगा? विकास पे ही होगा। विकास पे होगा, क्या लग रहा है 5 सालों में कुछ बदला है गुरसाहेगंज में? बहुत कम, 25 वार्ड लगते हैं, हाँ। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, भारतीय जनता पार्टी भी झोंक रही है, बीएसपी भी झोंक रही है, आम आदमी पार्टी भी लगी हुई है पीछे से, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है कुछ अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो सिर्फ साइकिल दौड़ती दिख रही है, साइकिल दौड़ती दिख रही है बस। मिला जुला रिस्पॉन्स है, कोई कमल बता रहा है, कोई साइकिल बता रहा है, और लोगों से हम बात करेंगे। नगर पालिका का चुनाव है,
और ये छोटा चुनाव हमारे नगर के मुद्दे ही इसमें सम्मिलित होते हैं, जैसे सफाई व्यवस्था है। आपने कहा छोटा चुनाव, ये इसी चुनाव से 2024 का रास्ता तय, वो अलग बात है, लेकिन हम अपने नगर के मुद्दे सफाई व्यवस्था, गलियां, पानी का जो भराव होता है वो ना हो, लोगों को राहत मिले, अन्य जैसे छोटे मोटे मुद्दे हैं, इन पे इन्हीं पे होगा और जो होता रहा है आज तक। कुछ बदला है विगत 5 वर्षों से, उससे 5 वर्ष पूर्व, उससे 5 वर्ष तब से 10 सालों की अपेक्षा इस बार कुछ बदला है गुस्साएगा? अब कोई नया आएगा तो बदलेगा, हर बार जब कोई नया आता है तो बदलता है। कुछ बदला पिछला वाला कुछ बदला? हाँ थोड़ा बहुत तो चेंजिंग हुई है, चेंजिंग हुई है जी, मान रहे हैं चेंजिंग हुई है, बिल्कुल थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। तबे फोकस करेगी शिक्षा और विकास और जन सुविधा। जाम सबसे बड़ी समस्या है गुरसाहेगंज की, जाम से निजात नहीं दिला पा रही है टाउन एरिया आपकी, क्या लग रहा है इस बार जो है कुछ नया होगा इस बार? देखिए टाउन एरिया जो कर रही है अपना प्रयास कर रही है, पब्लिक को भी सहयोग करना चाहिए इसमें, जो अवैध अतिक्रमण किए हैं हम ही लोग हैं उसके जिम्मेदार, तो नगर पालिका तो अपना प्रयास करेगी, हम लोग सहयोग नहीं करेंगे कोई भी अध्यक्ष हो जाए कुछ भी नहीं कर पाएगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पर समीकरण ऐसा बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी से मयंक गुप्ता जी हैं चुनावी मैदान में, और साइकिल जो हैं साइकिल के जो उम्मीदवार हैं वो भारतीय जनता पार्टी से होकर समाजवादी पार्टी में छोटे ठाकुर आए हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ का? देखिए ये नगर पालिका का चुनाव है, यहाँ पे राष्ट्रीय मुद्दे या प्रादेशिक स्तर के मुद्दे नहीं चलते हैं, ना यहाँ पे ज़्यादा पार्टी बात चलेगा, यहाँ पे लोकल का जो कैंडिडेट है उसका क्या प्रभाव है, आगे क्या वो फोकस करेगा, क्या काम करेगा, इस पे चुनाव होगा। एक बड़ा चेहरा गुरसाहेगंज का आपका, बहुजन समाज पार्टी से मिलकर मदद करेगा वो? बहुत मुश्किल है, मुश्किल है। इसके किसके किसके बीच में लड़ाई है? अरे यही तीन लड़ रहे हैं, बहुजन समाज लड़ रही है, भाजपा वाले हैं, सपा वाले हैं, की त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ त्रिकोणीय लड़ाई है, चौथी पार्टी नहीं आ सकती। हाँ उसमें कोई नहीं है। राजनीति छोड़कर नगर की राजनीति में क्या लग रहा है, बदलाव होगा या कुछ नया, भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी, किसका कैंडिडेट हो सकता है? देखिए बदलाव तो होगा, क्योंकि बदलाव इसलिए होगा कि पुराने चेयरमैन लड़ नहीं रहे जी, तो अब जो भी बनेगा वो नया ही बनेगा। अब पप्पी तो जीते नहीं थे, उधर क्या नाम मयंक गुप्ता भी नहीं जीते थे, पुराने लड़ नहीं रहे, तो इन तीनों में से जो भी बनेगा नया ही बनेगा हमारे ख्याल से। पुराने वाले समाज पार्टी से बहुजन समाज पार्टी से एक और प्रत्याशी आ रहा है, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से ही बदलाव होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी पिछली भी थी और इस बार भी चुनावी मैदान में है। यहाँ पे नए कैंडिडेट के रूप में मयंक गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से और साइकिल से छोटे ठाकुर जी आ रहे हैं, तो इन दोनों में और बीएसपी में क्या लग रहा है इस बार? त्रिकोणीय संघर्ष है इसमें, और अभी तो चुनाव का बहुत वक्त है, यहाँ का चुनाव हमने देखा है 2 दिन में पलट जाता है, कहीं का कहीं पहुँचता है, अब वो वक्त आएगा तो फिर हम बताएंगे क्या हो रहा है। वक्त आने पर पता लगेगा कि किसकी बनेगी नगर की सरकार, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी। चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। गुरसाहेगंज में नगर पालिका गुरसाहेगंज में क्या लग रहा है? संघर्ष कांटेगा है, कांटे का संघर्ष है साइकिल और भाजपा की, भाजपा आपको क्या लग रहा है? अब संघर्ष है कांटे, हम क्या बता दें, मतलब कानून निकल जाए। जो रेड़ी वाले हैं और जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते हैं उनके लिए कुछ बदला है 5 सालों में, उनके लिए कुछ जगह मुहैया कराएगी या मारे मारे घूम रहे हैं अभी भी? कोई मुहैया ही नहीं हुई जगह, जो यहाँ पे लोग लगाते थे वो बेचारे घूम रहे थे उधर इधर उधर घूम रहे। क्या लग रहा है सर इस बार? सबको निकाल दिया, राज सिंह चौहान जीतेगा, साइकिल ही जीतेगी यहाँ से, साइकिल फाइनल है। आपको क्या लग रहा है, यहीं के लोकल के हैं? नहीं हाँ यहीं का है। क्या क्या लग रहा है इस बार, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस? आपकी साइकिल ही जीतेगी। साइकिल आपको क्या लग रहा है? साइकिल ही जीतेगी। क्यों, साइकिल क्यों जीतेगी? साइकिल ने ऐसा क्या किया जिससे आप जो है उसके पक्ष में बोल रहे हैं कि साइकिल ही जीतेगी? क्या विकास किया? विकास किया, विकास प्रदेश लेवल में उनको काम आया नहीं सर, विकास पे आप बात कर रहे हैं? विकास क्या, अभी बेईमानी से आ रही है जो भी पार्टी है, प्रेजेंट टाइम में धांधली करके जीत रहे हैं चुनाव। जी तो इसने नगर पालिका गुरसाहेगंज में क्या लग रहा है इस बार? इस बार राज सिंह चौहान जीतेंगे, राज सिंह चौहान। चलो अपने अपने लोगों के दावे हैं, अब देखते हैं किसकी बनेगी नगर की सरकार। चलिए आगे चलते हैं। क्या लग रहा है इस बार गुरसाहेगंज में? तमाम रेड़ी वाले होंगे, गरीब तबके के लोग होंगे जो तिराहे चौराहे पर अपनी ठेली लगाते हैं, उनके लिए कुछ परिवर्तन आया? जैसे लग रही लग रही है, कोई फायदा घाटा नहीं? फायदा घाटा कुछ नहीं। अच्छा चलिए ठीक है। चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में देखो आपका मूड किधर है? हम देखो जो भी दे सकते हैं जैसे भी देते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी है, मयंक गुप्ता जी भी हैं, छोटे ठाकुर भी हैं, उसके बाद आसिफ जमाल पप्पी भी हैं,
उसके बाद कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी से निर्दलीय भी हैं, क्या लग रहा है इनमें से कौन भारी है इस समय आपके हिसाब से? भारी तो यही है बीजेपी वाले, बीजेपी वाले अशोक लाला वही लग रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। चुनाव में इस बार क्या लग रहा है? चुनाव में हमें क्या बता भाई साहब, समाजवादी पार्टी भी चुनावी मैदान में, बसपा भी है, साइकिल भी है, क्या लग रहा है आपकी नज़र? अब हमें तो कमल का फूल लग रहा है। कमल का फूल? अच्छा अच्छा, हाँ। तो कुछ उम्मीद है, उम्मीद है। अवधि की लड़ाई है। किसकी किसकी बीच में लड़ाई है? अशोक लाला जी और उनकी ठाकुर साहब की। ठाकुर साहब यानी कि साइकिल की, कमल और साइकिल की लड़ाई बता रहे हैं। चलिए कुछ लोगों के बाद और असर यहीं के हैं आप, क्या लग रहा है इस बार? दो ही जनों का है, दो ही जनों का। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे, पूछेंगे। बता भाई साहब, बताओ नगर पालिका गुरसाईगंज में इलेक्शन चल रहा है भाई साहब? इलेक्शन तो चल रहा है, क्या माहौल किसका लग रहा है सर? माहौल की जनता पार्टी, बीएसपी या समाजवादी पार्टी? समाजवादी और बीजेपी की टक्कर होगी। समाजवादी और बीजेपी की टक्कर होगी? बीएसपी कहाँ पे खड़ी है? बीएसपी तो जो है अभी बराबर मामला है। त्रिकोणीय में तो जो है बसपा भी आ रही है ना, बसपा भी आ रही है। तो हमारा एक सवाल ये रहेगा, कौन से गुरसाईगंज में ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक कोई भी सरकार पूरी नहीं कर पाई है? मुद्दे भैया सबरे पूरे हो रहे हैं, सब पूरे हो रहे हैं। जैसे कि मतलब कोई समस्या होती है नगर में तो चेयरमैन खड़े हो रहे हैं इस समय। मान लो जो भी पिछले कैंडिडेट चेयरमैन धीरेन्द्र थे, उन्होंने भी मान लो विकास किया है। बहुजन समाज पार्टी से थे वो? नहीं, बहुजन समाज पार्टी से। उनका एक प्रत्याशी आसिफ जमाल के रूप में इस बार चुनावी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी से छोटे ठाकुर जी हैं, मयंक गुप्ता जी हैं, बीजेपी से कांग्रेस से जुगल किशोर जी हैं, समाजवादी पार्टी से ऐसे तमाम पार्टी, आम आदमी पार्टी से अभी कोई नेता आए ही नहीं है अभी भाई, अभी हमको मालूम भी नहीं है। अच्छा अच्छा, चार तो हैं मान लो टक्कर में है। सड़क पानी बिजली क्लीन गुरसाईगंज हुआ है कि नहीं हुआ है अभी? नहीं, अभी तो हुआ है भाई साहब, चल रहा है, क्यों मोदी सरकार चल रही है, आप नहीं करोगे ऊपर से डंडा पड़ेगा। चलिए और लोगों की प्रतिक्रियाएं जानते हैं, उनसे जानते हैं कि नगर का क्या माहौल है आज चुनाव में क्या लग रहा है नगर में? चुनाव तो भैया हमें लग रहा है अशोक लाला का, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता चाचा आप बताइए। भाई हमें तो यही भरोसा है, मतलब भारतीय जनता ही पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता ही पार्टी जीतेगी। यहाँ पे एक समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं, बहुजन समाज पार्टी से हैं, बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, इनमें सबसे बेहतर कैंडिडेट और कौन सी पार्टी? अब कैंडिडेट तो मतलब अशोक लाला बढ़िया आदमी। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। सर क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। बदलाव होगा क्योंकि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी से वो इस बार लड़ नहीं थे। बदलाव होगा बदलाव होना भी जरूरी है, होना भी जरूरी है। चलिए और लोगों से हम बात करते हैं। आप वोट डालेंगे? मुद्दे कोई सुनते ही नहीं करें का, अपनी मर्जी डालिया वो डाले तो पड़ेगा वोट। कोई प्रत्याशी आया है अभी तक? हाँ प्रत्याशी, आपकी समस्याएं दूर हुई है क्योंकि आप काफी बरसों से यहाँ पे लगाए हुए हैं, जगह जगह पर हटा दिया जाता है, भगाए जा रहे हैं, वाले कोई जगह चिन्हित नहीं की गई? कोई अभी नहीं, कोई जगह नहीं चिन्हित, सब परेशानी है। क्या बता रहे भैया? गरीब के लिए ज़्यादा परेशानी बनाई गई, आज 3-4 दिन हो गए भटक रहे हैं, बेर बेर आ रहे हैं, अडवा जा रहे हैं, मैडम मान ही नहीं रही हैं, कहीं यहाँ नहीं लगने देंगे। यो साहिबा, हाँ अच्छा अच्छा, उनसे पूछा नहीं कुछ जगह चिन्हित ऐसी है जहाँ पे लगाएं? तो ऐसी दी है वो पीछे दी है, वहाँ सौदा बिकेगी नहीं भाई, ये सब ठेली यहाँ लगी हैं, या तो सभी को वहाँ पहुँचाया जाए। मैं एक तरीके के पता चले पंदा वहाँ लगी 20 यहाँ लगी तो पंदा वाले बर्बाद हो जाएंगे, 20 वाले आबाद हो जाएंगे। वोटिंग का अभी तो क्लियरिटी नहीं बता सकते कि कौन जीते कौन नहीं, वो तो आने वाले थे, जब एक दिन पहले पता लगेगा कौन भारी है कौन एक क्या दिन है। पहले नहीं, आंकड़े तो अभी लग जाते हैं। आंकड़े कुछ नहीं लगते, आंकड़े कोई तो किसी तरह गुमराह को किसी, अभी खुला वोट किसी तरफ नहीं है, अभी अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं, मगर कोई किसी लिए नहीं कौन जीते। सभी प्रत्याशियों का माल काटा जा रहा है, केवल पैसे लेने लोग लगे हैं, अभी कोई पक्का वोट किसी तरफ नहीं है, जिसके तरफ कोई इधर घूम रहा है। अभी जब एक दिन पहले पता चले कौन जीते कौन हारेगा, चुनाव एक दिन का होता है केवल।
तमाम लोगों की आपने प्रतिक्रियाएं सुनी कि गुरसाहेगंज के लोग आखिर क्या चाहते हैं। तमाम लोगों की समस्याएं भी थी, जाम की समस्या भी थी, रेहड़ी वालों की समस्याएं भी थी, और लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी कि समाजवादी पार्टी को चुनेगी या भारतीय जनता पार्टी को या बहुजन समाज पार्टी को या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को। तमाम लोगों की आपने राय सुनी। अब चलते हैं गुरसाहेगंज में, अगले जो वीडियो आएगी वो गुरसाहेगंज से ही आएगी, क्योंकि गुरसाहेगंज 42,000 इस बार जो है वोटिंग प्रतिशत वोटिंग पड़ेगी। यहाँ पे 42,000 लोगों अपना अध्यक्ष चुनेंगे, तो लोगों से हम अलग अलग प्रतिक्रियाएँ लेते रहेंगे, रोज़ वीडियो आएगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।